हो, हार्ड कोर समर हो, सब विंटर्स में मतलब वेदर्स में रहने के लिए परफेक्ट है। बेस्ट है, एक तो बेस्ट स्निफर डॉग्स है, बेस्ट अलर्ट डॉग्स बोल सकते हैं। आज हम फरीदाबाद में आए हैं मुनीस भैया के पास, और मुनीस भैया ने बताया हमें कि आज इनके पास एक नई ब्रीड है, बेल्जियम मेलानॉय। तो हम जानते हैं मुनीस भैया से क्या है इसकी खास बात है, क्या चीजें हैं, और ये मुनीस भैया कब से ब्रीड कर रहे हैं और क्यों रखते हैं इन चीजों को। तो बताएं मुनीस भैया, कुछ बताएं आप इनके बारे में। भैया, बेल्जियन मेलानॉय मैं करीब 3 साल से रख रहा हूँ जी। मतलब इसका शौक ये था कि मतलब मेरे पास आई हैड बहुत सारे डॉग्स थे जी, बट जब से बेल्जियन मेलानॉय रखा है तब से फिर मैंने आई रिमूव ऑल ऑफ देम। नहीं, ऐसा क्यों, क्या ऐसा क्यों सर, आपने? एक तो बेल्जियन मेलानॉय की खासियत है, दे आर दी रफ एंड टफ ब्रीड, रफ एंड टफ एंड लेस मेंटेनेंस, जिसको आप बोल सकते हैं कि मतलब मेंटेनेंस फ्री, मतलब कोई मेंटेनेंस फ्री डॉग है इन डॉग को। एंड टॉप इट ऑल, एक ये ऐसी स्पेसिफिक ब्रीड है जो किसी भी वेदर में रह सकती है सर। जी जी जी, आप हार्ड कोर विंटर्स हो, हार्ड कोर समर हो, सब विंटर्स में मतलब वेदर्स में रहने के लिए परफेक्ट है। और क्या खास बात है इन ब्रीड सर? ये खास बात तो एक सबसे बड़ी है कि ये बेस्ट गार्ड डॉग्स है। अच्छा। इन वर्ल्ड वाइज मतलब दे आर दी बेस्ट गार्ड डॉग्स। जैसे हमें पता है कि आप ट्रेनर भी हैं, तो आप ट्रेनर भी करते हो, बिहेवियर करेक्शन का भी के लिए, आप क्या बोलते हो कैसी है ये ब्रीड, आपको क्या लगता सर, है दे आर दी वन ऑफ दी बेस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड जिसको बोल सकते हैं। अगर आप बहुत ही मतलब एथिकली रिलीजियसली ट्रेन करते हैं तो इससे बेस्ट ब्रीड वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगी। जी जी, तो आपको बस ये है कि आपको प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम करनी है, और एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर काल प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक बॉम्बारिंग का वो रहेगा। अच्छा। इनकी एनर्जी कंज्यूम करना बहुत जरूरी और है। मुनीस भाई, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अगर कोई ट्रेनर अगर कोई ये चाहता है कि वो एक बेल्जियम मेलानॉय ले अपने घर के लिए गार्डिंग पर्पज के लिए, और उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो इनको ट्रेंड करे, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि ट्रेनिंग मस्ट है इस ब्रीड की, या कोई और ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम ट्रेनिंग ना करके, क्योंकि हर किसी बंदे के पास तो उतना पैसा होता नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेनर भी काफी कॉस्टली हैं, डॉग्स के जो ट्रेनर हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, मंथली चार्जेज उनके बहुत ज्यादा है, तो वो खुद क्या कर सकते हैं सर? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग ठीक है, वो ट्रेनिंग गार्डिंग पर्पज पे है, बट आपका बाउंडेशन अगर आपके डॉग के साथ नहीं है और आप इसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो देर इज नो बेनिफिट कि आप मतलब आप बेल्जियन मेलानॉय रखें। और कभी भी मतलब फ्लैट में बेल्जियन मेलानॉय रखे, आपके पास अच्छा खासा बड़ा मतलब 500-1000 गज का होना चाहिए जी, ताकि दे कैन कंज्यूम देयर एनर्जी। बट बिना आप कह, मैं जो समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं ट्रेनिंग ना भी करूँ इसको रख सकता हूँ, बट मुझे इसकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर एनर्जी चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये आप ही के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस रहेगा ये। अच्छा, इस ब्रीड की में प्रॉब्लम क्या क्या है, आपको क्या लगता है? जैसे आप 3 साल से रख रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम्स इस ब्रीड के अंदर हैं? सर, गॉड ग्रेस मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम फ्री ब्रीड है सर। ये इनके अंदर मैंने आज तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं, हाँ बिहेवियर का है कि अगर आप इनको करेक्ट करके नहीं रखेंगे तो ये मतलब टू बी अ वेरी डेंजरस। ये बेस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो सबसे बेस्ट है कि ये रफ एंड टफ है सर, आपको लेस मेंटेनेंस, रफ एंड टफ है इस ब्रीड में, आपको मतलब वेरी लेस मतलब इन्वेस्टमेंट की जरूरत है बस। और इसके पपीज और इनकी ब्रीड की रेंज कहाँ तक जाती है, किस रेंज के ये डॉग्स हैं? सर, पपीज का तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पपीज अपने सीनियर्स को ही हैंड ओवर करता हूँ, मैं जो आपको मैं ओवर द प्लेटफॉर्म नहीं बता सकता हूँ किसको हैंड ओवर करता हूँ। जी जी जी। और टॉप इट ऑल मतलब आई बीन इंस्ट्रक्टेड बाय देम कि हम किसी को ऐसे अननोन पीपल को नहीं हैंड ओवर करेंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ जैसे फोर्सेस बहुत ज्यादा इसको यूज कर रही है, उसकी क्या खास बात है कि ये फोर्सेस इसको बहुत ज्यादा यूज करती है? सर, ये बेस्ट है, एक तो बेस्ट स्निफर डॉग्स है, बेस्ट अलर्ट डॉग्स बोल सकते हैं, अलर्ट डॉग्स बोल सकते हैं। इनकी जो माउथ ग्रिप है वाइल्ड मतलब जो अटैकिंग मोड है, जो ग्रिप है, जो बाइट बाइट का है, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट वन अगर वंस दे आर वेल ट्रेन। ओके, कायरा। और अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये मतलब थोड़ा डेंजर, वो आपके लिए फिर वो डेंजरस तो हो गई। बट अगर मैं इसको थोड़ा बहुत इसका जो एक्सरसाइज वगैरह है अगर कोई कर रखना चाहे और वो इसको एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर दे तो रख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब डिपेंड की मतलब आप क्या एक्सरसाइज करा रहे हैं सर। जी, अब नॉर्मल ब्रिस्क वॉक कराएंगे कोई बेनिफिट नहीं है, जब तक आप इसकी 4-5 किलोमीटर रनिंग नहीं कराएंगे एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, मतलब कोई 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 बेनिफिट नहीं होगा। इधर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्ले ग्राउंड है जी, तो यू लीव देम ओपन।
आप खुला काल तो आ, 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 आप कहते हैं कि हम मतलब कोई भी इसको अगर इसके पास किसी के पास अगर थोड़ा टाइम है और वो एक अच्छा गार्ड डॉग रखना चाहता है और थोड़ा इसको रनिंग वगैरह करा सकता है तो इजीली इसको हैंडल कर सकता है। तो लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेरी बनी रहती है कि जी बेल्जियम मेलनॉइज बहुत ज्यादा काटते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, रख सकता है। मतलब सर आप ये देख सकते हैं ये जो बेबी है, मतलब मैंने अपने सीनियर से लिया है, जी जी इज अराउंड 11 मंथ्स जी। आप ये बेल्जियन मेलनॉइज देख लीजिए, शी इज 2.5 ईयर ओल्ड फीमेल जी, एंड शी इज द सेम मतलब 2.5 ईयर जी, बट इन तीनों में अलग अलग डिफरेंट ड्राइव है। अब आपको डिपेंड करता है कि आप क्या पर्पस के लिए ले रहे हैं। जी जी आप ट्रेनिंग भी कराते हैं सर? मतलब स्पेशली मतलब एक वर्कलाइन ब्रीड को ही ट्रेन करना पसंद करते हैं सर। मतलब जी 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 अब कोई लैपरा ले आए तो वो उसके लिए हम स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देते हैं। इफ इट इज अ वर्कलाइन ब्रीड तो उसमें मजा आता है सर, क्योंकि मतलब इनकी एनर्जी आपकी लेवल से मैच करती है। अब सर जी आपको जी मैं बोल दूं कि सर आप सिट्जू ट्रेन करते हो तो आप स्ट्रेट अवे मना कर देंगे। जी 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 सो वर्कलाइन ब्रीड वाले मतलब सिट्जू नॉट एबल टू ट्रेन, तो मेरा हमारे लिए यही मतलब मजा आता है कि मतलब ये ब्रीड मतलब आप एंजॉय करते हैं, मतलब यू लिव विद द डॉग। जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो कहते। तो आप मुझे इनका थोड़ा कुछ आपने इनको अभी थोड़ा बहुत ट्रेंड किया है अपने लिए थोड़ा बहुत या घर में एक फैमिली डॉग की तरह इनको आपने या एक मिथ फैला हुआ है बेल्जियम मेलनॉइज को टू डेंजरस विद द एल्डरली पीपल, टू डेंजरस विद द यंग किड्स। ऐसा कहीं नहीं है, मतलब दे आर दे लिव फ्रीली, छोटे बच्चों के साथ भी रहते हैं, मेरे मदर फादर के साथ भी रहते हैं, एंड दे वेरी ओबीडियंट। क्योंकि हम अगर देखें तो इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अभी बेल्जियम मेलनॉइज रख रहे हैं। फरीदाबाद में इस साइड में तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, देखे फर्स्ट टाइम है मैंने कि यहाँ पे मेलनॉइज है आप ब्रीड कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह की ब्रीड को ब्रीड करते हैं अभी जहाँ तक कि हमने देखा है। तो अभी आप आगे इनको क्या आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर है बेल्जियम मेलनॉइज का आपको सर? सारी चीजें देखिए फ्यूचर ये है कि देखिए मतलब इट डिपेंड्स कि मतलब मेरे को जो आज तक मैंने सीखा है डॉग हमेशा आपको चूज करता है, आप कभी डॉग को चूज नहीं करेंगे सर जी। आपके लाइफ में अगर डॉग वाला आना है तो वो आएगा, आप डिपेंड करता है कि आप कैसे उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। बेल्जियम मेलनॉइज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में, क्योंकि मतलब अगर लोगों को सभी मतलब इंडिया में ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जो दे नॉट एबल टू अफोर्ड मतलब बेल्जियन मेलनॉइज, तो डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं वो। जी जी सर जी, जैसा जी, जी, मैंने ओवर दी प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर साउथ इंडिया में बहुत है बेल्जियन मेलनॉइज को, दे लाइक इट। नॉर्थ में अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है ये। जी जी तो अब वही है कि वो कैसे मतलब लोगों को मतलब एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में माइंडसेट है हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया जी, में जी। वो बेल्जियन मेलनॉइज को दे कंपेयर विद द जर्मन शेपर्ड, वो एक बहुत है, वो आते ही देखते हैं ये जर्मन शेपर्ड है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने देखा नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो मे भी हो सकता है इसलिए लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ही काफ़ी मतलब कम देखे हैं, मैंने खुद ने काफ़ी कम देखे हैं ये ब्रीड, लोगों के पास है ही नहीं है। तो और बाकी आप क्या कहना चाहोगे अगर कोई आपसे डॉग लेना चाहता है या कुछ? मेरे से मैं डायरेक्टली किसी से इंटरेक्ट नहीं करता हूँ स्ट्रेट अवे, ये मेरे सुपीरियर्स का है कि वो अगर उनको अप्रोच करना है तो आई कैन शेयर दे माय सुपीरियर नंबर्स। जी 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 दे कैन रीच देम, क्योंकि मैं मतलब आउटसोर्स ब्रीडिंग नहीं करते हैं, मतलब विल डू डू इन हाउस, गुना हैंड ओवर टू माय सीनियर। मेलनॉइज और भी हैं आपके पास या? सर मेरे जो सीनियर्स हैं मतलब ही इज द मेलनॉइज किंग, जो सीनियर्स हैं जी जी मतलब उनके पास वो प्रीमियम ब्रीड्स हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये मतलब मेलनॉइज रेंज नहीं, यहाँ पे आपके खुद के यहाँ पास पे और सर भी मेरे पास 1, 2, 3 मेरे पास 7 मेलनॉइज हैं। ओके यहाँ पे 7 मेलनॉइज और दो पपीज हैं। ओके ओके तो वो मतलब शी डिलीवर द पपीज। ओके तो मतलब तो मतलब टोटल ओवरऑल 9 मेलनॉइज हैं, एक DDR है सर। DDR ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जर्मन शेपर्ड सर, अगेन वर्कलाइन ब्रीड सर, वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड, वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड सर। ठीक है सर, थैंक्स, आपसे बड़ा अच्छा लगा सर बात करके, और मैं यही कहना चाहूंगा लोगों को अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, और मुनीश जी से अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं इनका नंबर और इनकी सारी डिटेल्स इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां जाके इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।